शाहिद कपूर ने आज तक अपने सौतेले भाई का चेहरा नहीं देखा है। शाहिद का सौतेला भाई पूरे 3 साल का हो चुका है, लेकिन एक बार भी शाहिद अपने भाई से मिलने नहीं गए हैं। शाहिद कपूर के सौतेले पिता राजेश खट्टर ने इस पर दुख जताया है। राजेश ने बताया है कि शाहिद कपूर आज तक उनके सबसे छोटे बेटे युवान से नहीं मिलने आए हैं। एक्टर राजेश खट्टर ने एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर खुलकर बात की। उन्होंने ईशान खट्टर से लेकर शाहिद कपूर के साथ अपने रिश्ते पर भी जवाब दिया। शाहिद कपूर की मां नीलिमा अजीम ने 3 शादियां रचाई। उनकी पहली शादी पंकज कपूर के साथ हुई, जिनसे शाहिद पैदा हुए। पंकज कपूर से तलाक लेने के बाद नीलिमा ने राजेश खट्टर से शादी की। तब नीलिमा अपनी ससुराल में 9 साल के शाहिद कपूर को लेकर आई थी। नीलिमा और राजेश का रिश्ता 11 सालों तक चला। राजेश खट्टर और शाहिद कपूर का रिश्ता भी इतने सालों में काफ़ी मजबूत हुआ। हालांकि इसके बाद नीलिमा ने साल 2004 में रजा अली खान से शादी की और फिर 2009 में उनका भी तलाक हो गया। राजेश और नीलिमा से एक बेटा ईशान भी हुआ। नीलिमा से तलाक के बाद राजेश खट्टर ने 2008 में वंदना संजनी से शादी कर ली। शादी के 11 साल बाद 2019 में उनका बेटा युवान पैदा हुआ। अब राजेश खट्टर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि उनके बेटे युवान से ईशान तो कई बार मिले हैं, लेकिन शाहिद कपूर आज तक युवान से मिलने नहीं आए। राजेश ने बताया कि ऐसा नहीं है कि उनके बीच किसी तरह का कोई मनमुटाव है, सभी एक दूसरे से टच में हैं। शाहिद कपूर के साथ अपने रिश्ते पर बात करते हुए राजेश खट्टर ने कहा, हमारी एक नॉर्मल लाइफ रही है, 11 साल हमने साथ में बिताए हैं, वो मुझे बेहतरीन पिता भी मानते होंगे। जब भी हम मिलते हैं तब हम साथ में बिताए हुए पलों की बात करते हैं, लेकिन ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाती। वो बहुत प्यारे इंसान हैं। आगे जब राजेश से पूछा गया कि शाहिद कपूर के करियर का उन्हें भी श्रेय मिलना चाहिए, तो इस पर राजेश खट्टर ने कहा, वैसे तो सब कुछ शाहिद की मेहनत पर ही डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं अपना रोल देखूं तो कभी कभी मुझे ये ख्याल आता है कि अगर मैं मुंबई नहीं आता तो नीलिमा भी नहीं आती और शाहिद भी नहीं आ पाते। वेल, राजेश खट्टर के इस जवाब पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पर चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।